बूढ़ा पुष्कर के ग्रामीणों ने रविवार को होकरा और कानस से गाजे बाजों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकालकर बूढ़ा पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। ग्रामीणों के मुताबिक प्रदेश और जिले में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की गई है। साथ ही ग्रामीणों ने सरोवर की दुर्दशा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन को भी कोसा। हमारे यहाँ पे हर साल बूढ़ा पुष्कर की पूजा की जाती है। जब से गांव बसा है उस टाइम से बूढ़ा पुष्कर की पूजा की जाती है, क्योंकि गांव वालों की ये जो भोले शंकर का तीर्थ स्थान है बहुत बड़ी आस्था है, इसलिए यहाँ पे हर साल पूजा की जाती है। और गांव वालों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से बारिश अच्छी होती है। हमने दुग्धाभिषेक किया और उसके अलावा यहाँ पे हवन होगा जिसके अंदर आहुति दी पूजा होगी, मतलब, और इससे गाँव के अंदर शांति पैदा होगी और गाँव वालों को बहुत आस्था है कि इससे बारिश अच्छी होगी। स्थान की बूढ़ा पुष्कर की पूजा होती है और ये पूजने से क्या हमारे इंद्र देवता राजी होते हैं, बरसात होती है, मतलब समय से करते आ रहे हैं, पूजों से करते आ रहे हैं, बहुत पीढ़ी होगी, सदियों होगी, मतलब अभी क्या कुछ समय पहले ये पूर्व क्या ये विदाई लोग हैं, यहाँ की प्रशासन है इस पर कोई ज्ञान नहीं दे रही है। यहाँ घाट भी बनवाए, टैंक भी बनाए, कल हो हरियाणा वो अमावस्या सोमवती अमावस्या है उसमें पब्लिक नहाने गए, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, सब टूटे पड़े हैं, सब टैंक टूटे पड़े हैं, कोई प्रशासन अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। कल पब्लिक आएगी नहाने वाली, वो किस पे नहाएगी, एक भी हो सब खाली पड़े, कोई पानी व्यवस्था नहीं, इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रशासन थोड़ा इसमें ध्यान की दिया जाए। इस अवसर पर होकरा और कानस के ग्रामीणों के साथ शंकरदास महाराज, बालकदास महाराज, देवी सिंह, करण भैरू आंबा, ताराचंद, रामचंद, कृष्णा शंकर आदि मौजूद थे।